यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 72 या फिर आप अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ये हमारी क्लास नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 तक अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्रमानुसार हर एक क्लास को देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, हमारी क्लास नंबर 16 है। इसके पहले 15 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है और उसके पहले हमने जीके और साइंस को एक ही क्लास में इंक्लूड किया था, वो आप भी आप क्लास देख सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई, आप जाकर के हर एक क्लास की पीडीएफ को भी चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी, है ना। बात बिल्कुल सही लिखी गई कि मेहनत जो है ये बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। इसीलिए आप अपने बेहतर परिणाम के लिए पूरी जी जान के साथ तैयारी कीजिए, दिन रात एक करके आप पूरी जान के साथ तैयारी कीजिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनकी नींदें अधूरी होती हैं। तो आपको पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है। इस बार अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए मैं दावा कर सकता हूं कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो ये निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका होगा ही, आपका सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। वैसे गाइस, मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ और मैं पूरी जान के साथ लगा रहूँगा जब तक आप सभी का एग्जाम हो नहीं जाता है। आइए इसी जोश उम्मीद के साथ हम क्लास की तरफ। साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बल या फिर फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। देखो गाइस, आज मैं आपको बता दूं, थोड़ा आपको टफ लेवल क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन को देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं। आपके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। बल या फिर फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, वो हो जाएगी आपकी न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में आप देखो केल्विन जो है मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगी आपकी तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा। पास्कल का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका दाब। और वोल्ट गाइस जो है ये विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाट को प्रकट कर सकते हैं किसमें। गाइस, आप सभी जानते हैं कि शक्ति का जो एस आई मात्रक होता है वह होता है वाट, और कार्य करने की क्षमता को ही हम कहते हैं पावर, या फिर जिन्हें आप कहते हो शक्ति। शक्ति को गाइस या फिर कहा जाए वाट को हम किसमें प्रकट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा, देखो गाइस, अगर कहा जाए तो शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कार्य करने की दर, है ना। कार्य करने की दर या फिर कहते हैं वो आप कार्य करने की क्षमता ही शक्ति कहलाता है ना, कि आप कितने समय में कितने कार्य को करते हैं। तो कार्य करने की दर या फिर कहा जाए तो कार्य बटे समय। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है जूल, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा वॉट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से कैसा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए अपना कीमती समय मैं आपके ऊपर खर्च करता हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी का फर्ज बनता है, आप सभी मित्र भाई बहन का ये दायित्व है कि कम से कम आप क्लास को तो शेयर कर ही दिया करो। मेरे प्यारे भाई बहन, आपका जो भी स्टडी ग्रुप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर गाइस आपका कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या फिर गाइस आप कोई भी सोशल मीडिया यूज ऐप करते हैं, तो आप उस पर अपने मित्र तक क्लास के बारे में बता दें, उनको भी बता दें कि यहाँ पर भी आपको तैयारी करवाई जाती है, आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी जीत तोड़ से मेहनत करवाई जाती है। वैसे तो गाइस, मैं आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हुआ हूँ और ये मैं आप सभी से प्रॉमिस भी कर चुका हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन करवा चुकूंगा, ठीक है, करवा सकूंगा। और कब करवा सकूंगा, जब आप मेहनत कर पाएंगे तब, है ना। आपको आगे गाइस मिला ही क्या मिला, आगे आपने मोटिवेशन में देखा ही कि
मेहनत जो है ये आपको बता देगी कि आपका परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो ये बता ही देगा कि आपने मेहनत कैसे की थी, है ना। तो गाइस आप पूरी जी जान पूरी जी तोड़ के मेहनत कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, पूरा दिन रात एक कर दीजिए। मात्र 2.5-3 महीने का समय है, मैं कई दिनों से 2.5-3 महीने का समय बता रहा हूँ, लेकिन मानकर चलो कुल मिलाकर के आपके पास 2 महीने का समय बचा है। ये 2 महीने गाइस आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, अलग कर लो और जी तोड़ करके मेहनत कर दो, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, है ना। तो देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इंक्रीजिंग होता है इसमें, यानी कि बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। चलो भैया अगला आपके सामने कि माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है। देखो मैं आपको बता दूं इसमें गाइस कहा जाए तो ऑप्शन में थोड़ी गलती दी गई है, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह गाइस क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन ये दोनों ट्यूबें होती हैं, है ना। तो सही आंसर क्या होगा आपका, क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला आपके सामने कि बिजली के बल्बों की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले CFL, मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या लिखा है CFL का पूरा नाम क्या है, दैट मीन्स ये हुआ आपके सामने कि CFL का जो पूर्ण रूप है या फिर कहा जाए तो फुल फॉर्म है जो मेरे प्यारे भाई, यह क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। याद रखना जो CFL है इसका आविष्कार किया था एडवर्ड ई हेनर ने, किसने किया, एडवर्ड ई हेनर ने किया। और गाइस CFL का जो पूरा नाम है ये क्या है आपसे पूछा गया है। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि CFL का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म कहा जाए तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आपके हिसाब से गाइस, जो कुछ भी लगे हमारे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है यानी कि जिसमें विद्युत प्रतिरोध गाइस बहुत अधिक होता है, जिसकी कोई गाइस सीमा ही ना हो, उन्हें हम कहते हैं कि वह जो है वह विद्युत रोधी पदार्थ होगा। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह युक्ति कौन सी है जो हमारे TV सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे TV सेट, कंप्यूटर या फिर रेडियो सेट में एक विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। आज आपकी क्यूज होगी याद रखना, और गाइस क्यूज आपकी होगी हिंदी विषय की, हाँ ठीक है, हिंदी और इसके साथ हम फिजिक्स के क्वेश्चंस भी रखेंगे आज क्यूज में। और क्यूज आपकी कहाँ होती है कुछ बच्चे के मन में ये डाउट होगा, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता रहा हूँ क्यूज आपकी होगी, आप टेलीग्राम पर सर्च करना, पहले आप लिखना @, फिर लिखना ARVINDSIRJI, यानी कि गाइस बिना इस मतलब स्पेस दिए आपको लिखना है @ अरविंद सर जी, आपको क्या लिखना है @ अरविंद सर जी, या फिर आप केवल अरविंद सर जी ही लिखेंगे बिना स्पेस दिए कैपिटल लेटर में, तो आपको जो क्यूज का टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के क्यूज को भी अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर या फिर रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है, वह हो जाएगी आपकी संधारित्र, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है या फिर कंडक्टर है। तो गाइस जो पानी होता है ये विद्युत चालक का कहा जाए तो एक खराब होता है ना, पानी जो है ये गाइस लाइट के लिए या फिर बिजली के लिए बहुत खतरनाक होता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं कि खराब होता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है,
सुचालक का मतलब ये हुआ मेरी प्यारी भाई कि जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, विद्युत आसानी से उसमें प्रवाहित हो सके, तो सुगमता से उसमें प्रवाहित हो सके, उसे कहा जाता है विद्युत का सुचालक। और जिसमें आसानी से प्रवाहित ना हो सके उसे कहा जाता है विद्युत का कुचालक। समझने की कोशिश करना इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। एल्यूमिनियम में भी प्रवाहित हो सकता है, टंगस्टन में तो होता ही है, निकल में भी हो सकता है, लेकिन गाइस जो पोर्सलेन होता है या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें विद्युत का सुचालन नहीं होता है, विद्युत जो है सुगमतापूर्वक प्रवाहित नहीं हो पाती। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, या फिर अगर आपको लगता है कि इस बार आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, आप सभी का सिलेक्शन है, अगर आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है, तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एसी और डीसी जो है यह किस रूप में है, ईंधन प्रवाह के रूप में, वोल्टेज प्रवाह के रूप में, जल प्रवाह के रूप में, या फिर वायु प्रवाह के रूप में। एसी और डीसी जो है मेरे प्यारे भाई यह हो जाएगी आपकी वोल्टेज प्रवाह के रूप में, यानी कि विभव परिवर्तन के रूप में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्यूज जो है गाइस, विद्युत फ्यूज है, इस विद्युत फ्यूज तार के लिए एक असंगत है, वह क्या इसमें असंगत है, यानी इसमें क्या बेमेल दिए गए हैं। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी लंबाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है क्योंकि चालक तार के जो चालन इलेक्ट्रॉन है इसके परमाणु के साथ संगठन होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मित्र इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी वाई अरबिस्टर पर मिल जाएगी, या फिर अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर के इसकी PDF को पा सकते हैं। नेक्स्ट है कि धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है, फटाफट आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस अगर कहा जाए तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को एक स्थिर इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित किया जाता है तब क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। सो गाइस यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है ये स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है ये किसको त्वरित, यानी कि किसको एक्सेलरेटेड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि धनायन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव गाइस आयन को साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है त्वरित करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने कि एक धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह स्वतंत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। सो गाइस जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें यह स्थित होता है उसी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को स्वतंत्र करने के लिए एक धारा लूप होता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि एक चुंबकीय क्षेत्र या फिर कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यह विक्षेपित करता है किसको, अल्फा कण को, बीटा कण को, या फिर अल्फा एवं बीटा कण दोनों को, या फिर ना तो अल्फा को ना ही बीटा को। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र जो है गाइस ये ना तो बीटा को विक्षेपित करेगा और ना ही अल्फा कण को विक्षेपित करता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का जो अनुपात है यह किस माध्यम में होता है, तो यह जो है यह उसकी ग्रहणशीलता के माध्यम में होता है, यानी कि वह किस प्रकार से इसको गाइस मतलब अवशोषित करता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणशीलता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, या फिर हाइनरिच हर्ट्ज, या फिर थॉमस अल्वा एडिसन, या फिर जॉन लोगी वेयर्ड। देखो दूरस्थ स्थानों पर यानी कि दूर दूर स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंग को भेजने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे हाइनरिच हर्ट्ज। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बारे बारे में बारे में तो ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोई भाग नहीं दिखाई देता, या फिर क्रीट भाग दिखाई देता है जिन्हें आप कोरोना कहते हो, या फिर वर्णमंडल दिखाई देता है जिन्हें आप क्रोमोस्फीयर कहते हो, या फिर प्रकाश मंडल दिखाई देता है जिन्हें आप फोटोस्फीयर कहते हो। देखो गाइस जो पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूर्य का केवल और केवल कोरोना वाला भाग या फिर क्रीट वाला भाग दिखाई देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? देखो मेरे प्यारे भाई, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ये काल्पनिक या फिर कहा जाए तो आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है और यह पार्श्व उल्टा होता है। मैंने क्या बताया, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या फिर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ऑप्शन में अगर काल्पनिक मिलता है तो आप काल्पनिक टिक कहेंगे, या फिर अगर आभासी मिलता है तो आप कहेंगे आभासी होता है। और गाइस ये जो है ये वस्तु के बराबर बनता है और ये सदैव पार्श्व एवं उल्टा बनता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बताए हैं, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य एवं चंद्र दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका मुख्य रूप से कारण क्या है? गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य एवं चंद्र जो है गाइस, चंद्रमा जो है ये दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं यानी कि लंबा इलिप्टिकल प्रतीत होते हैं, इसका कारण है वो हो जाएगा अपवर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के सदृश होता है? देखो गाइस कैमरे का जो फिल्म में होता है, फिल्म वाला भाग होता है, चित्र वाला भाग होता है मेरे प्यारे भाई, वह मानव नेत्र के रेटिना के जैसे होता है। जैसे मानव के नेत्र में गाइस जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, उसी प्रकार कैमरे में जो गाइस फिल्म जो चित्र बनता है वो उसके फिल्म में बनता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि नेत्र का समायोजन क्या है, या फिर जिन्हें आप कहते हो नेत्र की असमंजन क्षमता, वह गाइस जो है वह किस प्रकार से होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ओके मेरे प्यारे भाई, देखो नेत्र की जो समंजन क्षमता या फिर गाइस कहा जाए समायोजन जो है या नेत्र की सीलियारी पेशियों के द्वारा होता है, और ठीक है इस सीलियारी कहा जाए या रोमांक पेशियों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। अगला कि वस्त्रों की त्रिआयामी प्रतिबिंबों या फिर थ्री डायमेंशनल इमेजेस को के अभिलेखन की जो तकनीक है या क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहलाती है होलोग्राफी या फिर स्वलेखन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस हमने यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सभी मित्र एक बार क्लास को अपने दिल की गहराई से लाइक कर देंगे, जो मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का मेरे भाई, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे कोई भी क्लासेस अपलोड होंगी, जैसे आपकी हिंदी 7 बजे होती है, जीके टेस्ट आपका 7:30 बजे होता है, साइंस आपका 8 बजे होता है, और आपका गाइस जो यूपी जीके है ये 2 बजे होता है, और भी जितने भी क्लासेस चलवाई जाती हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ और सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे। सो गाइस जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।